भ्रष्ट प्रभारी की उंगली को शार्दूल ने इतनी जोर से मरोड़ा कि उसकी चीख निकल गई और इतनी जोर से निकली कि बाहर गांव वालों को भी सुनाई दे रही थी। उसने खुद को छुड़वाकर अपनी उंगली मोड़ने वाले शख्स को देखा और वो कांप गया। ये तो एक गहरी लाल आंखों वाला व्यक्ति था, यानी शुद्ध खून वाला पिशाच। प्रभारी खुद किसी पिशाच के जरिए इंसान से आधा पिशाच बना था और पिशाचों के समाज में सबसे निचले दर्जे का था, जबकि शुद्ध खून वाले पिशाच सबसे ऊपर। उसने फौरन कहा, कृपया मुझे क्षमा करें, मुझे पहले पता नहीं चला कि आप एक शुद्ध खून वाले पिशाच हैं। प्रभारी ने जल्दबाजी में माफी मांगी, लेकिन शार्दूल माफी देने के मूड में नहीं था। शुद्ध खून वाला पिशाच हूँ, लेकिन अभी कुछ ही देर पहले तो आपने मुझे बाहर निकल जाने के लिए कहा था। बुरे बच्चों को दंडित किया जाना चाहिए, क्या आपको नहीं लगता? प्रभारी ने कुछ नहीं कहा। शार्दूल ने शिजा की तरफ देखा। शिजा ने केवल यहाँ के घटनाक्रम को देखने की योजना बनाई थी, लेकिन इसमें भाग लेने का उसका कोई मन नहीं था। लेकिन शार्दूल ने उसे अपनी छाया से खींचकर बाहर निकाल लिया और पूछा, तुम्हारा इस बारे में क्या कहना है शिजा? शिजा एक कदम आगे बढ़ी और रोशनी उसके चेहरे पर पड़ने लगी। प्रभारी उसकी उपस्थिति से हैरान था, जैसे कि उसने उसके यहां होने की उम्मीद नहीं की थी। वो फौरन बोला, शिजा तुम यहां क्या कर रही हो? प्रभारी के मुंह से अपना नाम सुनते ही शिजा को घृणा महसूस हुई। उससे नजर मिलाने की बजाय वो शार्दुल के पास खड़ी रही। प्रभारी की आंखों में शिजा को देखते ही एक चमक आ गई थी। शार्दुल ने इस बात को देखा और पूछा, क्या आप इस लड़की को जानते हैं? ऐसा लगता है जैसे आप मेरी गुलाम से परिचित हैं। शार्दुल ने मेरे शब्द पर कुछ ज्यादा ही जोर दिया था। प्रभारी की नजर शिजा पर से हटकर वापस शार्दुल से जा मिली। उसने आश्चर्य से पूछा, गुलाम? शिजा और प्रभारी दोनों अतीत में खो गए। जहां शिजा को याद आ रहा था कि वो इस आदमी के दफ्तर की सीढ़ियों से पहले ही रुक गई थी, क्योंकि इस आदमी ने शिजा और उसकी मां पर कई शर्मनाक टिप्पणियां की थी, और एक खास दिन जब उन्हें न्याय की जरूरत थी तब इस आदमी ने उनके साथ बहुत गलत किया था। वो दिन आज भी शिजा के जहन में ताजा था। दोपहर का वक्त था, लेकिन बादल छाए हुए थे और जमीन फिसलन से भरी थी। शिजा सब्जियां बेचकर वापस घर जा रही थी, जब नशे में धुत दो लोगों ने उसे पकड़ लिया और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगे थे। शिजा जितनी जल्दी और जैसे हो सका था खुद को बचाकर वहां से भागी थी, लेकिन वहीं से गुजर रही एक महिला ने शिजा के ऊपर गलत आरोप लगाकर उसे ही दोषी बना डाला था। ये किस्सा गांव के प्रभारी के पास शिकायत के रूप में आया था। शिजा के कानों में आज भी गांव के लोगों की आवाजें गूंज रही थी। दिन दहाड़े आदमियों को अपने हुस्न के जाल में फंसाने की कोशिश करके इसने हमारे गांव का नाम बदनाम किया है। शर्म आती है इस लड़की पर। अरे ये और इसकी माँ दोनों डायने हैं, कभी देखो कैसे देखती हैं आदमियों को। इन्हें जला डालो। और उस वक्त इन्हीं प्रभारी जी ने कहा कि बेचारी दो अकेली युवा महिलाओं को गांव से निकालना ठीक नहीं होगा, और फिर उसने शिजा को समझाने की पेशकश रखी थी और उसे अपने इसी दफ्तर में बुलाया था। शिजा के आते ही प्रभारी ने दरवाजा बंद कर उसकी सलवार को खींचने की कोशिश की थी। शिजा आज भी अपनी जांघों पर उसके लिलजिले स्पर्श को महसूस कर सकती थी। उसकी नीयत से वाकिफ शिजा पहले से ही चौकन्नी थी, इसीलिए उसने उसका हाथ झटक कर जोर जोर से चीखना शुरू कर दिया था। अपनी हवस पूरी करने में नाकाम खिसियाए प्रभारी ने एक तमाचा मारकर शिजा को बाहर धकेल दिया था। इसके बाद शिजा की मां और उसके लिए हालात और भी मुश्किल हो गए थे, इसीलिए उसने रंगमंच पर काम करना शुरू किया था, वो भी दूसरे गांव की पार्टी के साथ, जिसे देखने शिजा के गांव के लोग नहीं जाते थे। जब शिजा उन यादों में डूबी हुई थी, उसी वक्त प्रभारी भी अपने ही विचारों में था। शिजा की कत्थई खूबसूरत आंखें आज भी चमक रही थीं। प्रभारी को याद आया कि गांव के कई पुरुषों और महिलाओं ने दावा किया था कि शिजा की मां और शिजा अपनी असामान्य रूप से चमकती बादामी कत्थई आंखों के कारण चुड़ैले थीं। बाकी लोगों की आंखें काली या भूरी थीं,
जब मामला प्रभारी के पास आया था तो वो भी माँ बेटी की इतनी हसीन जोड़ी देखकर चौंक गया था। सरहरी, गोरी, लंबे बालों वाली, गुलाबी होंठ और सुराईदार गर्दन, दोनों की जितनी तारीफ की जाए कम। गरीबी के बावजूद हुस्न में कोई कमी नहीं। वो गांव वालों से ज्यादा पढ़ा लिखा था और जानकारी भी रखता था, लेकिन उसने उन्हें नहीं समझाया। उम्र में वो शिजा के बाप की उम्र से भी कुछ ज्यादा ही था, लेकिन जब वो मासूम लड़की यहाँ रहती थी तो उस गरीब लड़की पर अपनी चाल चलना प्रभारी को गलत नहीं लगा। वो किसी भी तरह शिजा को पाना चाहता था, इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार था। ये दुर्भाग्यपूर्ण था कि कुछ समय बाद ही शिजा की माँ की मृत्यु हो गई और उसके बाद प्रभारी ने शिजा को फंसाने और पाने के लिए फिर से नई योजना तैयार करना शुरू कर दिया था। उसने खुद शिजा की माँ के शरीर को गांव में सबके सामने जलाने के लिए तैयारी की थी, जिससे गांव वालों को लगे कि वो उन्हीं के साथ है। और इस बात से आहत दुखी शिजा जब टूट जाएगी तो उसे सहारा देने के नाम पर वो उसका इस्तेमाल कर लेगा। लेकिन प्रभारी को ये नहीं पता था कि शिजा के चाचा चाची बीच में आ जाएंगे और उसके साथ रहना शुरू कर देंगे। चाचा चाहे जितना भी बुरा था पर एक मर्द था और उसके घर में आ जाने से सबको चुप होना पड़ा। शिजा की माँ को प्रभारी ने गांव के कब्रिस्तान में दफन करवा दिया था। उसने सोचा था कि कभी वहां से ही शिजा को उठाकर दूर कहीं ले जाएगा, लेकिन उसके पहले ही वो अचानक गायब हो गई थी और उसके फौरन बाद ही शिजा के चाचा चाची भी। आज शिजा उसकी आंखों के सामने फिर से थी, लेकिन किसी की गुलाम बनकर। वो सोच रहा था कि अगर उसे पहले पता होता तो वो खुद उसे गुलाम खाने से खरीद लेता और फिर हक से इस्तेमाल करता। प्रभारी को अपने दुर्भाग्य पर विश्वास नहीं हो रहा था। जब ये दोनों लोग यानी शिजा और प्रभारी अपने अपने हिस्से का अतीत सोच रहे थे, तब शार्दुल ने दोनों के दिलों की धड़कनों को बहुत ध्यान से सुना। शिजा को बोलकर शार्दुल को यह बताने की जरूरत नहीं थी कि कुछ गड़बड़ है। जब वो प्रभारी के कार्यालय की सीढ़ियों पर कदम रखने से झिझक रही थी, तब शार्दुल ने तुरंत इसका अनुमान लगा लिया था। शार्दुल को शिजा के चेहरे पर दुख, तड़प, गुस्सा और निराशा दिख रही थी, तो प्रभारी के चेहरे पर वासना, प्यास और व्याकुलता। शार्दुल ने सब समझकर प्रभारी की तर्जनी उंगली जो अब भी उसके हाथ में थी उसे पकड़ा और भींच दिया। अगले ही पल एक आवाज के साथ प्रभारी की तर्जनी की हड्डियों का चूरा चूरा हो गया। वो दर्द से चिल्लाया और अपनी मेज के पास नीचे फर्श पे गिरा दर्द से कराह रहा था। शार्दुल उसे इतना दर्द देकर भी शांत खड़ा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। शिजा को याद आया कि शार्दुल की सौतेली बहन सोनी ने उस पर अपना जोर आजमाया था और उसके दम पर वो कह सकती थी कि शुद्ध खून वाले पिशाच बहुत ताकतवर थे, इतने ज्यादा कि केवल दो उंगलियों से किसी भी इंसान की हड्डियों का सूरमा बना सकते थे। वो शुक्रगुजार थी कि उस दिन वक्त रहते शार्दुल ने आकर उसे सोनी से बचा लिया था, वरना आज शिजा के पास भी दो की जगह एक ही हाथ होता। शार्दुल ने प्रभारी से पूछा, घरों की चाबियां कहाँ हैं और इसके घर पर लगे ताले की चाबी कौन सी है? मेज के सबसे नीचे वाले दराज में 23 अंक लिखा है चाबी पर। शार्दुल ने चाबी निकालकर धन्यवाद कहा और दराज बंद कर दी। इसके बाद शार्दुल वहां से बाहर निकल गया और उसके पीछे पीछे शिजा भी, क्योंकि वो उस भ्रष्ट प्रभारी के साथ एक पल भी अकेले नहीं रहना चाहती थी। जब वो बाहर निकले तो शिजा ने देखा कि गांव के बहुत से लोग प्रभारी के कार्यालय के आसपास घूम रहे थे। ये लोग अनजान पिशाच और शिजा से दूरी बनाकर चल रहे थे। शार्दुल को बस इन लोगों को एक नजर घूरना भर पड़ा और सब के सब अपने अपने घरों की ओर भाग गए और अंदर से दरवाजे खिड़कियां बंद कर ली। शार्दुल सोच रहा था कि इंसान कितने दयनीय जीव है जो दूसरों के दुर्भाग्य से सुख प्राप्त करते हैं। शिजा के घर पहुंचकर शार्दुल ने उसे चाबी दी और घर का ताला खोलने को कहा। बाहर लटकी लालटेन को शार्दुल ने उठाकर हिलाया, उसमें इतने समय के बाद भी थोड़ा तेल था। शिजा अंधेरे घर में प्रवेश कर गई और शार्दुल ने थोड़ी सूखी रुई और माचिस जो वो प्रभारी के दफ्तर से उठा लाया था उनकी मदद से लालटेन जलाई।
लालटेन जलाकर उसने शिजा को दे दी। अपनी पतलून की जेब में हाथ डालकर शार्दुल ने घर की ओर देखा, जिसे शायद ही घर कहा जा सकता था, क्योंकि वो उसके कमरे के आकार का आधा भी नहीं था, एकदम खाली। शार्दुल ने उससे पूछा, यहाँ की सभी चीजों का क्या हुआ? मैंने अपनी चाची और चाचा के साथ रहने से थोड़ा पहले उन्हें बेच दिया था। गांव वाले कोई काम नहीं जमने देते थे, जरूरत थी खाना खरीदने के लिए। शिजा की भोली सी आंखें शार्दुल के चेहरे पर टिकी हुई थी। लालटेन की मध्यम रोशनी में वो प्यारी लग रही थी। अब तुम मुझे ऐसे देखोगी तो मैं इसका कोई और ही मतलब निकाल लूंगा। घबराकर शिजा ने फौरन अपनी नजरें हटा ली। शार्दुल के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई, जिसे उसने शिजा से छुपा लिया। क्या तुम्हें इस घर से चले जाने का मलाल है? नहीं। अपनी माँ के चले जाने के बाद इस खाली घर में शिजा के लिए कुछ नहीं बचा था। वैसे भी गांव वालों के व्यवहार और घर में उसके संघर्षों को देखते हुए शिजा की वर्तमान जिंदगी की तुलना में ये जगह नर्क थी। हाँ, माँ होती तो बात दूसरी थी। एक बात पूछूं? हाँ। आपको जरा भी फिक्र नहीं है अगर उस प्रभारी ने आपकी शिकायत कर दी तो? तो क्या मेरी नन्ही चिड़िया को मेरी फिक्र हो रही है? मेरे दिल में ख्याल आया, सो पूछ डाला। शार्दुल ने एक शरारती मुस्कान दी। शिजा दीवार की तरफ गई, जिसपे एक छोटी सी खिड़की थी। चारों ओर देखते हुए उसने धूल से ढकी खिड़की के शीशे को साफ करने के लिए कपड़े का एक टुकड़ा उठाया, जिससे घर में से थोड़ी रोशनी बाहर जाने लगी, ताकि पता चल सके कि घर में कोई है। बाहर खड़े कई लोग अभी भी उसके घर को ही घूर रहे थे। वो काफी दिनों बाद आई थी। यहाँ के लोग उसकी माँ की मृत्यु के बाद उसे गांव से बाहर निकल जाने से बहुत खुश थे, लेकिन उसकी उपस्थिति ने उन्हें असहज कर दिया था। शिजा को याद आया कि उसने किसी को नाराज करने के लिए कुछ खास नहीं किया था, बस जब वो एक छोटी सी बच्ची थी तब उसके पिता उसकी माँ और उसे छोड़कर गायब हो गए थे। तब से गांव वालों के मन में उसके लिए नफरत के सिवाय कुछ नहीं था। एक छोटी सी बच्ची जिसने कभी किसी को अपने शब्दों या कर्म से चोट नहीं पहुंचाई थी, फिर भी उससे एक अवांछित कीड़े की तरह नफरत की जा रही थी। जब वो छोटी थी तो आम बच्चों की तरह अपने हम उम्र बच्चों के साथ खेलना चाहती थी। इस छोटी सी चाह के बदले गांव में उस पर पत्थर बरसाए गए थे और उस छोटी सी बच्ची को ऐसी अपमानजनक गालियां दी गई थी जिनका ना तो उसे मतलब पता था और जो ना ही उसकी उम्र की लड़की के सुनने लायक थी। अंत में वो अपनी माँ के साथ गांव से बहिष्कृत कर दी गई थी। वर्तमान में वापस लौटकर शिजा ने शार्दुल को आकाश में कहीं ऊपर देखते पाया। हवेली के आसपास की तुलना में यहाँ का आकाश बहुत साफ है, ऐसा शायद वहां पहाड़ और झील होने की वजह से होगा। शिजा सोचने लगी कि शार्दुल ने प्रभारी की उंगली क्यों कुछ ली थी। वो अपनी पहचान का खुलासा कर सकता था, जिससे न केवल सारी परेशानी से बचा जा सकता था बल्कि उनका समय भी बचता और वो समय से वापस शाह हवेली जा सकते थे। लेकिन शार्दुल शाह साहब कभी सीधे तरीके से संतुष्ट होने वालों में से नहीं थे। शार्दुल को किसी को भी चिढ़ाने में इस हद तक मजा आता था कि वो उस व्यक्ति को अपने सामने रोने तक को मजबूर कर दे। शार्दुल ने शिजा के चेहरे पर नजर डाली। शार्दुल खुद को घूर रही लड़की की आंखों में एक आग और छुपी तड़प को महसूस कर सकता था। उसने पाया कि ये संवेदनशील लड़की आज अपनी आंखों के सामने किसी की उंगली का पाउडर बनता देखकर भी कुछ नहीं बोली। कुछ ना कुछ माजरा तो था। थोड़ा बहुत उसे समझ आया था, पर पूरा नहीं। उसने पूछा, तुम्हारे और उस प्रभारी के बीच क्या मसला हुआ था? प्रभारी ने तुम्हारे साथ ऐसा क्या किया कि तुमने उसके घर की सीढ़ियों पर कदम रखने से भी खुद को रोक लिया? शिजा के दिल में ख्याल आया कि क्या शार्दुल ने प्रभारी की उंगली का वो हाल शिजा के लिए किया था? उसकी खातिर शार्दुल ने उस आदमी को प्रताड़ित किया? ये सच नहीं हो सकता, उसने खुद को समझाया और शार्दुल पर पलटवार किया। आपको क्यों लगता है कि उस प्रभारी और मेरे बीच कोई मसला है? क्योंकि मुझे बहुत स्पष्ट लग रहा था कि कुछ ऐसा था जो तुम्हें बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था।
अपने दिमाग को या अपने पैरों को और आगे बढ़ने से रोकना ये सबसे आम प्रतिक्रियाओं में से एक है, जिसे हम अदालत या परिषद के कामकाज के दौरान पीड़ित लोगों और कैदियों में देखते हैं। तुम्हें बताओ, क्या मेरा कहना गलत है? नहीं। शिजा ने अपनी निगाहें शार्दुल से हटाकर फर्श पर जमा दी। ये पिशाच उसकी सोच से कहीं ज्यादा चालाक था। उसके सहज ज्ञान, चीजों को देखने के नजरिए, सोचने की क्षमता और कौशल ने शिजा को आश्चर्यचकित कर दिया कि शार्दुल ने उसके बारे में और क्या जानकारी जुटा रखी है। क्या हुआ था, बताओ भी। ये एक पुरानी कहानी है जिसे मैंने दफन कर दिया है और भूल जाना चाहती हूँ। तुम्हें देखकर लगता तो नहीं कि इस बात को दफनाया या भुलाया गया है? क्या ये बातें करना जरूरी है? जो मेरे पालतू जानवर से संबंधित है वो मुझे भी चिंतित करता है। ये सुनिश्चित करना मेरा फर्ज है कि तुम्हारा ख्याल रखा जाए। अब जल्दी से मुझे बताओ, देखो अभी तक मैं धैर्य रख रहा हूं। शिजा जानती थी कि अगर वो यहां रहने की अपनी असहजता का संकेत देती या व्यक्त करती तो उसके सामने वाला पिशाच सप्ताह के बाकी दिनों में यहां डेरा डालने से पहले दो बार नहीं सोचता, और शिजा इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती थी।